नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है। मैं राजन बड़ियाल ते पेश न इस बेले दियां खबरां। दौं दिन स्थगित रौह्ने दे परैंत अज पारंपरिक पहलगाम आले यात्रा मार्ग थमां यात्रा परती आरंभ हुई गई। 68,202 यात्रियों पर आधारित अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के हिम शिवलिंग के दर्शन करी लैते हैं। बालटाल च अज बड़ले हैलीकाप्टर सेवा भी आरंभ हुई गई है। कल हैलीकाप्टर सेवा शुरू नहीं हुई सकी ही, जिसके चलते गृहमंत्री राजनाथ सिंह और भी दौरा नहीं करी सके। इस विचकार अज गवर्नर एन एन बोरा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जेडे चेयरमैन भी हैं, अज पहलगाम ते बालटाल के यात्री कैंपें का दौरा लाया ते उत्थे यात्रियों कन्ने भी गलबात की। ओवरऑल यात्रा ठीक चल रही है, पर जब से यात्रा शुरू हुई है आपको पता होगा कि कई बार बारिश आई और हमें 2-3 मरतबा यात्रा बंद करनी पड़ी। अब पिछले 2 दिन से हमने बालटाल से जो यात्री आगे जाते हैं रास्ता बंद किया है। क्यों किया? पत्थर आ रहे हैं और कुछ लोग मर गए और कुछ जख्मी हुए। तो यहाँ फिर लोगों की तादाद, पिलग्रिम की तादाद इस कैंप में बढ़ गई है। तो इस कारण एडवाइज़र साहब के साथ मैं और CEO साहब के साथ आए थे ये फैसला करने, ये मशवरा करने यात्रा आगे कैसे चलेगी। तो हमने 2-3 फैसले किए। तो जम्मू से लोग जो आएंगे उनको हम शेषनाग की तरफ से भेजेंगे। दूसरा, यहाँ कैंप में जो यात्री यहाँ आगे जाना चाहते हैं वो उनको हम बस दे देंगे फ्री सर्विसेज कि पहलगाम जाएँ, उस तरफ से चले जाएँ। तो जब वहाँ से लोग इकट्ठे हुए हैं जो पंचतरणी वगैरह, उनको वापस लाने के लिए हमने एयरफोर्स की मदद ली है और 3 Mi-17 सुबह से चल रहे हैं। और जो ट्रैक है वहाँ भी हमारे लोग जो हैं, पुलिस के जो ग्रुप्स हैं, MRTP है, QRT है, हमारे जो स्टेट की पुलिस है, वो सारे वो लोग हैं वहाँ मदद कर रहे हैं। तो शाम को फिर व्यू करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। कश्मीर च भारी बरखे दे चलदे दौने यात्रा मार्गे थमां यात्रा बंद होने दे चलदे भगवती नगर आले आधार शिविर च यात्रियों का दबाव बढ़ता जा करदा है। सब्बे हाल पूरी चाली फुल दस्से जा करदे ने, जिन्हेंगी जिथे भी थार लब्भा करदी है वह उत्थे गै आराम करा करदे ने जां फिर बेहियै वक्त गुजारने पर मजबूर होए गए ने। यात्री ने भरे दे शिविरै गी च यात्री फर्शा उपर थार भी नहीं लब्भा करदी है। उत्थे गै यात्री निवास च ठहरे दे यात्रियें टेकवन चैनल कन्नै गलबात करदे होई अपनी समस्या बारे जानकारी दित्ती। यहाँ का अरेंजमेंट तो अच्छा है, सब कुछ भी अच्छा है। थोड़ा पानी का है तो पानी मिल जाता है, थोड़ा देरी होता है, पंप थोड़ा पानी भी ठीक है, सब भी ठीक है। तो रुकने जाने का ही जाम, हम क्या रुकेंगे, यात्रा करके ही जाएंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है आपको? यहाँ पे अरेंजमेंट सब अच्छा है, पर हमको आगे जाने का है ना, यहाँ रुके क्या, हमारा वो ट्रेन का टिकट भी निकला है 11 तारीख का, तो वापस भी जाना है। हम लोगों को 2 दिन यहाँ रुकते हुए हो गए, और आगे भी यदि ऐसा ही रहेगा हालत तो 2-3 दिन और देखेंगे, फिर उसके बाद अपने घर के लिए चले जाएंगे। व्यवस्थाओं के नाम पे तो अब यहाँ आप देख ही रहे हैं कि बाहर सो रहे हैं, रूम पूरे फुल हैं, जो हॉल बनाए हुए गवर्नमेंट की तरफ से। परेशानियाँ भी हो रही है, लंगर वगैरह में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो भी आने जाने के लिए परेशानी, जाना नहीं जाना, 4 दिन 3 दिन इधर। अगर 2 दिन और यात्रा बंद रहती है तो क्या हम लोग वापस जाना है? अभी जो मेल का गाड़ी रिजर्वेशन है तो वापस जाने के लिए कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत दूर पड़ना पड़ेगा ना, ये 20 से 40 किलोमीटर रास्ता है। जिनसे बोलते हैं भाई 10 बजे खुलेगी ऑफिस, 12 बजे 3 बार तो लाइन में खड़े रहे, टिकट का कोई गिरा, पैसे हमको टिकट जो खरीदिए उसका वापस पैसा चाहिए। अभी हमारे वहाँ जो रिटर्न टिकट जो हमने कराई है, तो इधर तो अभी हमारी सफर नहीं हुई यात्रा की, तो हम वापस जाएंगे
तो हमारा वहाँ का भी वो रिजर्वेशन कैंसिल कराना पड़ेगा, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इधर जो टिकट करवाई है वो हमको रिटर्न दे रहे पैसे। ज़्यादा हो गई यहाँ पर और पानी की दिक्कत हो रही है, नहाने की परेशानी हो रही है, रूम में बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुकी है। अब दवाई तो शुरुआत में तो पब्लिक काफ़ी कम थी, अब बहुत ज़्यादा पब्लिक है इस टाइम पर। सर आज नाइट का और स्टे लेंगे यदि यात्रा होती चालू, वरना फिर घर निकल जाएंगे। चार तारीख से अभी रुके हुए हैं, प्राकृतिक आपदा आपदा कारण से यात्रा रोक दी गई है। काफ़ी यात्री यहाँ रुके हुए हैं, वो उससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बाथरूम गंदा हो जा रहा है, पानी की बात समस्या हो जा रही है। सांबा थमां विधायक डॉक्टर दविंदर कुमार मंडियाल होरें अज सांबा दे दियानी इलाके च जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय जरनैली सड़कां उप्पर अमरनाथ यात्रियों के लिए लाए गए लंगर का उद्घाटन किया। इस मौके उप्पर लंगर के आयोजक सने कई श्रद्धालु भी शामिल होए हे, जिन्हें लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। ये गांव ज्ञानी है हमारा सांबा कांस्टिट्यूएंसी का, जहां हमारे संत महात्मा जगदीश गिरी जी जिन्होंने यहां पे एक शिव मंदिर की स्थापना की हुई है। लगभग 10 से 12 साल पहले ये मंदिर यहां महात्मा जी ने बनाया था और लगातार 8वें साल ये यहां आज जो शिव कुमारी लंगर यहां लगाया गया है, और लगातार 8 साल से जो यहां यात्रा है भोलेनाथ की, हमारी अमरनाथ की, उस यात्रा में जो लोग यहाँ जाते हैं सबके लिए यहाँ खाने का इंतजाम किया जाता है। और हर साल की तरह इस पर विधिवत रूप से हमने इस लंगर की आज यहाँ शुरुआत की है।